हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पैलियोज़ोइक लाइफ के बारे में कि पैलियोज़ोइक लाइफ जो है वो किस किस्म की होती है एंड उसमें हम ना किस तरह से चीज़ों को डिवाइड करते हैं, किस तरह से इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। तो पैलियोज़ोइक लाइफ इसको हम ना ओवरऑल डिस्कस करेंगे, के पीरियड्स को डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी जो है ना एवोल्यूशन हुई थी, किस किस तरह के जो एनिमल्स थे वो अराइज हुए थे, किस तरह के जो है ना फौना एंड फ्लोरा आए थे इस रीजन में या इस टाइम पीरियड के अंदर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पैलियोज़ोइक होती क्या है। पैलियोज़ोइक का मतलब होता है एंशियंट लाइफ, ठीक है। ये क्या है, ये ओल्ड है और इसका मतलब है लाइफ। ज़ोइक लाइफ और पैलियो मतलब एंशियंट। एंशियंट लाइफ होती है जिसमें ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट सारी लाइफ के बारे में हमें पढ़ना होता है। एंड इसको हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये एक तरह का ना एक्सप्लोजन हुआ था। एंड इस एक्सप्लोजन में क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे ना कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। कैम्ब्रियन का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, ये लाइफ पीरियड है। जितना भी लाइफ के अबाउट पीरियड होता है ना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये सारा कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन है, कैम्ब्रियन पीरियड है। तो उस वक्त हुआ क्या था बेसिकली कि यहाँ पे जो है ना बहुत सारी चेंजेस आई थी, जैसे कि ड्रामेटिक जो क्लाइमेट था ना वो ड्राई था, ठीक है, इतना ड्राई नहीं था पर ऐसा है कि कुछ ड्राई था और उसमें डेजर्ट वगैरह थे और इतना इस काबिल था कि वहाँ पे ना ऑर्गेनिजम्स आ सके। तो जितने भी एवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं वो उसी दौर में आए हैं, जितने जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं वो भी उस टाइम में हुए हैं। डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, जिसका एक्सप्लोजन हुआ, जिस तरह धमाका नहीं होता बिल्कुल इस तरह से, धमाके की तरह धमाका खेज जिस तरह हुई, तो बिल्कुल इस तरह से जो है डाइवर्सिटी भी हुई थी। बहुत सारे एनिमल्स थे वो राइज हो गए थे, जैसे कि मोलस्क, फिशेस, एम्फीबियंस और आर्थ्रोपोड्स, ये सारे के सारे उस वक्त आ गए थे। इसके अलावा कोल बेड जो थे वो मतलब हमें वो मिले हैं, साथ में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब से हमें बहुत सारी जो चीज़ें मिली हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं, बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे हमें ये लगता है कि ये जो पैलियोज़ोइक थी ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। एंड उसके बाद देखें कि जो जियोलॉजिकल चेंजेस हैं, ठीक है, जियोलॉजिकल कुछ चेंजेस हुई थी जिसकी वजह से क्या हुआ था कि फर्दर जो है ना उसकी मतलब लैंड की डिवीजन हो गई थी। और ये जियो है लाइफ, जियो मतलब अर्थ है एंड जियोग्राफी का मतलब होता है लोकेशंस। जैसे सबसे पहले पेनोटिया था तो इसको हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था। उसके बाद उसके टूटने के बाद गोंडवाना बन गया था। गोंडवाना 5-10 मिलियन ईयर जो है ना हम कहते हैं कि ये इतने पहले था, ये भी बहुत बड़ा ह्यूज कॉन्टिनेंट था। फिर उसके बाद सेलेडोनियन बना था, मतलब ये कि जो यहाँ पे अमेरिका और यूरोप थे ये दोनों इकट्ठे थे, कलेक्टिवली थे। और उसके बाद पेंजिया बना जो कि कोलिजन से बना था और सारे के सारे लैंड जो है वो दोबारा इकट्ठे हो गए थे। देखें कि अब इसको ना अगर मैं आपको डायग्राम बना के बताऊँ तो ये कुछ इस तरह से था कि अगर ना इस तरह से अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर जो है इस तरह से जो है ना बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको ये हमने नाम दे दिया कि ये क्या था, ये पेनोटिया था, ठीक है। अब पेनोटिया के बाद क्या हुआ कि उसमें ना कुछ हद तक जो है हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन होगी, मतलब आप ये समझ लें कि ये इतना सा बन गया था, ठीक है, ये इतना सा बन गया था, इसको कह दिया गोंडवाना। बाकी जो था वो ये जो जितने पीसेज आए थे कि ये सारे पीसेस में ब्रेक डाउन होके ना यहाँ फैल गया था और इसको हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये ख़त्म हो गया था एक तरह से। और उसके बाद जब ये सारा हो गया तो फिर क्या हुआ कि ये जो गोंडवाना है, अब ये जो गोंडवाना था ये बहुत बड़ा ना कॉन्टिनेंट है, ये बहुत मतलब पुराना कॉन्टिनेंट इसको बोलते हैं। एंड फिर उसके बाद जब इसकी भी फर्दर आगे ना ब्रेक डाउन हो गई थी, ठीक है, यू इस तरह से ना यू इस तरह से हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुई इनकी, ये ब्रेक डाउन हुई, ठीक है, पहले इसको हम कर लेते हैं। अब इसमें देखें कि हमने जिस तरह पढ़ लिया गोंडवाना आपको समझ आ गया, तो अब जो है गोंडवाना, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि इस तरह से जो गोंडवाना था, ठीक है, वो इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल था, तो फिर उसमें क्या हुआ कि उसकी जो है ना वो इस तरह ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है, ब्रेक डाउन होगी। और इधर जो हम ये कह लें कि यूरोप हो गया और साथ में अमेरिका हो गया, ठीक है, अमेरिका चाहे वो साउथ वाला है या चाहे वो नॉर्थ वाला है, ये दोनों अमेरिका, ये सारे कलेक्टिवली यहाँ पे इकट्ठे थे और बाकी जो सारा था ना वो सारा इधर इकट्ठा था, ये दो तरह के हो गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट जो है फिर ये सारे जब मतलब दो पीसेस हो गए थे ना, ठीक है, इस तरह से, मतलब अगर इस तरह से है तो यहाँ पर जो है ना वो दो पीसेस बन गए थे, एक यहाँ पर इस तरह से पीस था और एक इस तरह से पीस था। फिर क्या हुआ कि ये दोनों पीस आपस में जो है ना ये टकरा गए थे, ठीक है, इनकी फिर कोलिजन हुई, जब कोलिजन हुई तो फिर उसके बाद जो है ना वो इस तरह से एक न्यू पीस बन गया जिसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि ये क्या था, ये पंजिया बन गया था, ठीक है। और ये पंजिया के इर्द गिर्द जो है ना ये सारा का सारा जो है ना ये इसके इर्द गिर्द ओशियन था, तो ये पंजिया जो है ना वो हम कहते हैं कि जितना भी ये वाला पेड़ था उसके अंदर ये बना था। तो उसके बाद आगे हम देखेंगे कैम्ब्रियन पीरियड। अब हम ना उसके कुछ पीरियड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैम्ब्रियन पीरियड आता है तो हम कहते हैं कि ये कितना पुराना है, ये 541 मिलियन जो है ना उससे लेकर ये 485 मिलियन तक है। देखिए जब हमने चीज़ें डिस्कस करनी है तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है,
आपने ये चीज़ समझनी होगी कि सबसे पहले जो है ना, मतलब अगर हम मिलियंस में देख रहे हैं, ठीक है, तो पहले मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि 1000 मिलियन, ठीक है, उसके बाद आप नीचे की तरफ जब हैं 900, फिर 800, इस तरह करते करते हमने नीचे की तरफ आना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, जैसे कि हमने ऊपर पहले पढ़ के आए हैं कि किस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ना टाइम पीरियड जो होता है उसको सेट किया जाता है, तो बिल्कुल इस तरह से। तभी तो यहाँ पे ये जो है ना 4.51 मिलियन है, उसके बाद जो है ना ये आगे फिर 4 में चला गया, मतलब उससे कम हो गया, ठीक है, मतलब उसे अब ज़्यादा एडवांस हो रहा है, रीसेंट हो रहा है, एडवांस है, इस वजह से हम उसको डिसेंडेंट बोल रहे हैं। अब कैम्ब्रियन पीरियड जो था, इसमें कहते हैं कि पेनोटिक जो था वो ब्रेक हुआ था और उसके बाद गोंडवाना बना था। फिर यहाँ पे क्या हुआ था, एवोल्यूशन जो है ना, वो एवोल्यूशन के हमें बहुत सारे एविडेंस वगैरह मिले हैं, और यहाँ पे ना हम कहते हैं कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुई थी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो थे वो बन गए थे, जैसे ना ब्रैकियोपोड्स बने थे, स्पॉन्जेस बने थे, ठीक है, आर्थ्रोपोड हो गए, और इसके अलावा जो है ना हम कहते हैं ट्रिलोबाइट, ये देखिए ये ट्रिलोबाइट हो गए, या अर्लीस्ट वर्टिब्रेट जो बहुत मतलब स्मॉल वर्टिब्रेट से वो सारे के सारे आ गए थे। तो उसके बाद हमने देखना है वो भी उसके बाद ये वाला, ठीक है, ऑर्डोविजियन जो था पीरियड, ये हम कहते हैं कि 485 से देखें, अब ये पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो 443 तक पहुँच गया। अब इसमें क्या हुआ था कि फिशेज जो है प्रीमेटिव हो गई थी, स्फेलोपोड्स जो थे वो बन गए थे, स्फेलोपोड्स जैसे कि ना हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हद तक कुछ फिशेस जो है ना वो डेवलप हो गई थी, ठीक है, एंड उन फिशेस में जो स्फेलोपोड्स थे, जिनका जो मतलब स्फेलो का मतलब होता है ब्रेन, ठीक है, जिनका जो ब्रेन पार्ट था वो ज़्यादा हम कहते हैं कि प्रोमिनेंट हो गया था, तो यहाँ पे स्नेल्स हो गए, और जिस तरह शेल फिशेस, ऐसी फिशेस जो शेल के अंदर रहती हैं, ठीक है, शेल फिशेस जिनके पे शेल वगैरह होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, एंड उसके अलावा जो आर्थ्रोपोड्स थे गोंडवाना पे ना बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स जो थे वो मौजूद थे, और यहाँ पे ना जाइंट स्फेलोपोड्स, फिर मतलब पहले छोटे थे ये वाले, उसके बाद ये बड़े बड़े हो गए थे, और फिर ना ऑस्ट्रेको ड्रम आ गए, स्मॉल और जितने भी एनिमल्स थे, और साथ में हम कहते हैं जो भी है स्कॉर्पियन वगैरह, ठीक है, जिस सबसे ओल्ड जो स्कॉर्पियन है जिसको हम क्या कहते हैं यूरिपेट्राइडेट, तो ये भी जो है ना ये भी उसी वक्त डेवलप हुआ था, और इसकी हेड टेल ट्रंक ये तीनों इसके अंदर चीज़ें मौजूद थी। उसके बाद जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं स्कॉर्पियन वगैरह खासतौर पर, हम उनको ना इसी तरह डिवाइड करते हैं, हेड ट्रंक और साथ में उनकी जो है ना टेल, इस तरह से उनको डिवाइड किया जाता है। देखिए कि ये इस तरह से होते हैं, जब हम किसी को ड्रा करते हैं इंसेक्ट को, तो हम कहते हैं कि ये उसका क्या होता है, ये इसका हेड होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये उसकी ट्रंक होती है, ठीक है, और यूँ इस तरह से ना हम उसकी ये इधर टेल ड्रा करते हैं, और फिर उसके साथ में जो है ना वो हम जो विंग्स होते हैं, ठीक है, उनको हम इस तरह से ड्रा कर देते हैं। तो ये होप्स हो कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। उसके बाद जो है वो सिलोरियन टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया था, सिलोरियन, तो ये जो है ना ये 443 से ना 416 मिलियन ईयर हुआ था। इसमें जो है ना फिशेस वगैरह, सिलोरियन के जब नाम आ जाए तो आपने फिशेस और ये जो है सेफेलोपोड्स, इनको अपने जहन में रखना है। तो जा फिशेस जो थी ना वो पहले मौजूद थी, और फिर यहाँ पे जो ई जो एयर थी ना वो ब्रीथिंग के लिए फिर यूज़ होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, उसके एवोल्यूशन, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स फिर आना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि ना हवा में वो सांस ले सकते थे। इस तरह हम जितने सेंटीपेड वगैरह जो होती हैं, ठीक है, ये जो घर में नॉर्मली लोगों की आती होती हैं गर्मी में खासकर, इस तरह जितने भी लैंड पे जो प्लांट्स थे उनकी भी एवोल्यूशन हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे एयर जो है ना वो सेट होना शुरू हो गई थी। तो ये सारा एयर का और ये फिशेस का एवोल्यूशन, ये सारा कुछ है ना वो सिलोरियन पीरियड के अंदर हो गया। टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट्स वगैरह और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है ना वो इस जितने पीरियड था उसके अंदर आना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद जो है ना वो हम देखेंगे डिवोनियन पीरियड। तो डिवोनियन पीरियड जो है इसमें हमने देखना है कि किस, तो ये कुछ पीरियड्स हैं, देखें कि सिलोरियन है, डेवोनियन है और कार्बोनीफेरस है। तो सिलोरियन में आपने ये याद रखना है कि फिशेस के बारे में, ठीक है, यहाँ पे फिशेस, प्लांट्स और एयर के बारे में बताया गया। और उसके बाद जो डेवोनियन है इसमें भी आपने बताना होगा कि यहाँ पे फिशेस का आ गई थी, प्लांट्स आ गए थे, खासतौर पर जिम्नोस्पर्म और एम्फीबियन जो है ना इनके बारे में बताना है। आर्थ्रोपोड तो बहुत ज़्यादा आ गए थे, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स आ गए थे। एंड अब ये जो एम्फीबियन सबसे पहले था उसका नाम होते हैं स्टेगोसिफेलियन, ठीक है, स्टेगोसिफेलियन जो है ना याद रखना है, फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। देखिए जब ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स होंगे, ज़्यादा प्लांट्स होंगे, ज़्यादा फूड होगी तो फिर और ज़्यादा डाइवर्सिटी आएगी, और ज़्यादा चीज़ें जो है वो इवॉल्व होंगी। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से हुआ था। फिर कार्बोनीफेरस जो है ना इसमें हम देखते हैं कि कोल की फॉर्मेशन हो गई, एमनियोटिक एग वगैरह हो गए, या एम्फीबियन, रिप्टाइल्स, आर्थ्रोपोड्स, ये सारे के सारे ज़्यादा आ गए थे। आपने हर पीरियड में ये बताना होगा कि वहाँ पे उस वक्त कौन सी लाइफ आई थी, कौन से ऑर्गेनिज्म आए थे, मैमल्स थे, बर्ड्स थे, इंसेक्ट्स थे, आर्थ्रोपोड्स थे, फिशेस थी, क्या थे, ये प्लांट्स थे। तो वो सारा कुछ है ना आपने इन पीरियड्स के अंदर वो बताना होता है।
तो ये जो है ना, ये सारे के सारे जो हैं ये कार्बोनी जो फायरस था इसके अंदर आए थे। तो हम कहते हैं कि ये जो पिलियो वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा था क्योंकि इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं वो एवॉल्व हुए थे। एंड उसके बाद हमने ये देखना होगा कि इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है वो है परमियम पीरियड। ठीक है, तो परमियम जो है ना ये वाला, इसमें आप देख, ये सबसे कहते हैं कि ये लास्ट वाला पीरियड था इसका, जिसमें 299 से ना 252 बिलियन ईयर तक है। और इसमें भी क्या हुआ था कि जितने हमने पढ़ा ना पहले, कि जिस तरह पहले क्या था कि पहले वहाँ पे ना सिर्फ एक पेनोटिया था, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह का ड्रा किया जाता, फिर वहाँ पे ना गोंदवाना बना था, ठीक है, ये गोंदवाना बना था, यहाँ पे पेनोटिया था। फिर हम कहते हैं कि दो पीसेस बन गए थे, एक इधर था एक इधर था, ठीक है, जिसमें एक ना यूरोप अमेरिका ये सारे एक साइड पे थे और बाकी जो थे वो सारे एक साइड पे थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब इनकी कोलिजन हुई तो फिर इस तरह से ना, ठीक है, एक पेनजिया बन गया था। तो अब इस जो है ना परमियम पीरियड, इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर ये सारा का सारा जो है ना कॉन्टीनेंट पेनजिया, ठीक है, वो सारा का सारा बना था। और ये देखिए, और इसके इर्द गिर्द जो रिवर भी नहीं है बल्कि हम उसको समंदर बोलेंगे, इन पेंथलेसा जो है ना वो इसके इर्द गिर्द सारा समंदर था, क्योंकि पूरा जो है ना वही ये चीज़ थी। अब देखेंगे परमियम जितना भी है पेंथलेसा, अब इसके इर्द गिर्द तो जाहिर सी बात है पानी है यहाँ पे, ठीक है, बहुत पानी है, लेकिन ये खुद तो बहुत ड्राई है, ये बहुत बड़ा लैंड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेजर्ट थे, बहुत ड्राई थी। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ था कि वहाँ पे ना एक्सटेंशन स्टार्ट हो गई थी, जो डाइवर्सिटी पहले बनी थी अब वो ख़त्म होना शुरू हो गई थी। तो अभी हम देखेंगे कि आखिर इतना बड़ा ये हम टाइम पीरियड देख रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के थ्रू, कितना बड़ा टाइम पीरियड था पेलियोज़ोइक, एंड उसमें इतने ज़्यादा पीरियड्स वगैरह थे, उसमें 6 पीरियड थे टोटल। तो अब उसमें ना मतलब डेथ कैसी हुई, कैसे वो चीज़ें ख़त्म हो गई, सब ये बहुत ड्राई पीरियड था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह से ड्रा करें तो ठीक है, तो उसके अंदर पेंजियर था वो इस तरह था, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द जो था ना पेंथलेसा ये बहुत बड़ा ओशियन था, लेकिन ये खुद तो बहुत बड़ा था ना। देखिए अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान अगर इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इतना भी नहीं बनता, इतने से भी कम है। और इसके अंदर जब डेजर्ट है तो सोचें इतने बड़े के अंदर कितने डेजर्ट होंगे। ये बहुत ड्राई पीरियड था, यहाँ पे जो था ना हम कहते हैं कि जो डाइऑक्साइड थे, स्नैपसाइड थे, या फिर डाइमेट्रोडोन थे, ठीक है, या कॉनिफर्स, ये सारे के सारे यहाँ पे मौजूद थे। और ये न्यू कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे, ये फ्लरिश कर सकते थे। अब जैसे कि डाई जो है ना, ये दोनों जो हैं डाइऑक्साइड, ठीक है, और स्नैपसाइड, ये दोनों रिप्टाइल्स हैं, ठीक है, ये हार्श एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते थे, ड्राई के अंदर रह सकते थे। साथ के जो है ना डाइमेट्रोड, अब ये जो है ये न्यू कॉन्टिनेंट के रूल्स हैं अभी वो सीख रहे थे, ये एक न्यू की ना क्रिएचर थी। उसके बाद जो कॉनिफर्स थे ये भी टेरेस्ट्रियल लैंडस्केप थे और यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है, एंड उनके बारे में हम देखते हैं कि ये किस तरह से ना यहाँ पे आए। और कॉनिफर्स जो थे ना ये वही बात के प्लांट्स वगैरह जो है ना ये टेरेस्ट्रियल लैंड पे आना शुरू हो गए थे। लेकिन अब जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ड्राइंग पीरियड था। अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डाइंग हुई, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी ना डाइवर्सिटी मार गई थी, और तकरीबन 70% लैंड जो है वो मर गए थे, लैंड के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म थे, और 95% जो मेरीन के अंदर थे वो सारे के सारे मर गए थे, ख़त्म हो गए थे, एक्सटेंट हो गए थे। उनके फोसल्स जो है ना वो हमें मिले हैं, जो इटालियन बेड है, ठीक है, एल्प्स, वहाँ से हमें बहुत सारे फोसल्स मिले हैं, और उन फोसल्स से हमें ये चीज़ जो है ना वो साबित हुई है, हमें पता लगा है उसके बारे में। एंड साथ में आपको एक बात बताऊँ कि रैपिड कूलिंग हुई थी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस डिस्ट्रॉय हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा कूलिंग होती थी, ग्लेशिएशन होती थी, ग्लेशियर्स बनना स्टार्ट हो गए थे। एंड साथ में मैरीन लेवल जो था वो बहुत लो चला गया था, वोल्केनिक आउट हो गया था, और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आ गए थे इकोसिस्टम के अंदर मैरीन के अंदर, जिसकी वजह से सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मर गए थे। और हम कहते हैं ये बहुत बड़ी जो है ना वो ग्रेट डाइंग थी।